हिंदू धर्म में होली का बहुत ही बड़ा महत्व है और इसे लोग राधा और कृष्ण से जोड़ कर देखते हैं। ऐसे में ब्रज की होली काफी मशहूर है। यहाँ विदेशी भी होली के त्योहार को मनाने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रज राधा और कृष्ण की लीला के सबूत आज भी दिखते हैं। पुराणों के अनुसार गोवर्धन पर्वत उठाने के कुछ समय बाद ही कृष्ण की राधा से सगाई हुई थी। उन दोनों के सगाई के बाद राधा के पिता ने उन्हें मोतियों की एक पोटली दी थी, जिसे कृष्ण ने एक कुंड के पास जमीन में बो दिया था। ऐसा कहा जाता है तब से यहाँ मोतियों के पेड़ उगाए थे। इस पेड़ से जिनने वाले मोतियों को लोग दूर दूर से बटोरने के लिए आते हैं। ब्रज में आज भी एक परंपरा मानी जाती है। यहाँ 84 कोस यात्रा, जिसमें लगभग 7 दिन से लेकर 1 महीने तक लोग यात्रा करके आते हैं और इन मोतियों को अपने पास रखते हैं। इस मोती के पेड़ का नाम डोगर पीलू है। ब्रज के पूरे इलाके में केवल कुछ ही जगह पर ये पेड़ देखने को मिलते हैं, लेकिन मोती जैसे फल सिर्फ मोती कुंड के पास मौजूद पेड़ में ही मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गर्ग संहिता, गौतमी तंत्र समेत कई ग्रंथों में इस महान कुंड और राधा कृष्ण की सगाई का वर्णन है। गर्ग संहिता के अनुसार जब इंद्र के बारिश के प्रकोप की वजह से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, इसके बाद राधा और कृष्ण की सगाई कर दी गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।